हर कोई आगे बढ़ना चाहता है और आगे बढ़ने के लिए आपके पास नॉलेज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है और नॉलेज पढ़ाई से ही मिलती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनन्या और स्वागत है आपका वी फॉर इनोवेटिव में। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं बट पढ़ाई सही तरीके से ना करने के कारण बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं या तो उनका पढ़ाई से मन उठ जाता है। अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहां आप दिन में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं या फिर किसी काम के कारण या फिर कोई और रीज़न के कारण आप दिन में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से रात में पढ़ाई कर सकते हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अगर मुझसे कोई पूछे कि क्या रात में पढ़ाई करना सही है, तो मेरा आंसर हाँ होगा, क्योंकि रात में शांति का माहौल होता है और आप बिना कंसंट्रेशन लूज करे पढ़ाई कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि रात में पढ़ने के लिए क्या क्या करें। अगर आप देर रात तक पढ़ रहे हैं तो टाइम टेबल ज़रूर बनाएं, क्योंकि अगर आपके पास टाइम टेबल नहीं होगा तो आपका आधा टाइम इसी में निकल जाएगा कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट कितनी देर तक कब पढ़ना चाहिए। जब भी आपका मूड रात में पढ़ने का हो तो सबसे पहला काम टाइम टेबल बनाने का ही करें। अगर पढ़ने के साथ ही में आप किसी प्रोजेक्ट या असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं तो आपका ये टारगेट होना चाहिए कि मुझे इस सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट को इतने टाइम में पूरा करना है। रात की पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले ये बात ध्यान रखें कि डिनर जल्दी यानी 9 बजे से पहले कर लें, और ये भी याद रखें कि डिनर करने के बाद नहीं सोएं, क्योंकि अगर आप थोड़ी देर के लिए भी सोएंगे तो फिर हो सकता है कि आपकी नींद ना खुले। आप डिनर के बाद थोड़ा टहल सकते हैं या फिर मोबाइल में म्यूजिक सुन सकते हैं। साथ ही में इस बात का भी ध्यान रखें कि आप हल्का फुल्का डिनर लें ताकि आपको नींद ना आए, क्योंकि हैवी डिनर करने से बहुत जल्दी नींद आ सकती है। एक हल्के या जल्दी डिनर करने के बाद आप कम से कम 5 घंटे तक पढ़ पाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि पढ़ते समय आप अपनी मेंटल एनर्जी बनाए रखें। जब भी आप पढ़ने को बैठें तो मन में ये बिल्कुल ना सोचें कि मुझसे नहीं होगा या मुझे नींद आ रही है, तो आप ध्यान लगाकर पढ़ पाएंगे। अगर आप बेमन से पढ़ने बैठेंगे तो आपका ध्यान नहीं लगेगा और आपका समय पूरा वेस्ट हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप 1 से 2 घंटे की नींद लें और फिर पढ़ने बैठें। अगर रात में पढ़ाई कर रहे हैं तो ट्राई करें कि टेबल और चेयर पर बैठकर पढ़ें, क्योंकि अगर आप बिस्तर पर पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपकी नींद लग जाए। पर यह भी ध्यान रखें कि जहां भी पढ़ रहे हैं वहां रोशनी बहुत हो, ताकि आपकी आंखों पर ज़्यादा जोर ना पड़े और आँखें खराब ना हों। अपने एनर्जी लेवल को हमेशा मेंटेन रखने के लिए और बॉडी के हाइड्रेशन को बनाए रखने के लिए स्टडी के बीच में पानी पीते रहें, और सबसे इम्पॉर्टेंट, रात में पढ़ते समय डिस्ट्रैक्शन जैसे मोबाइल, वीडियो गेम्स, कंप्यूटर से दूर रहें, क्योंकि आप सोचते हैं कि केवल 10 मिनट के लिए देख लूं, लेकिन हमारा पूरा टाइम उसी में गुजर जाता है और पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर आप चाय या कॉफ़ी लेते हैं तो देर रात तक पढ़ने के साथ साथ आप चाय कॉफ़ी का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि उसका उपयोग ज़्यादा भी ना करें, और ये भी ध्यान रखें कि आप पर्याप्त नींद ले रहे हों। दोस्तों, ये थे कुछ तरीके जिससे आप रात में पढ़ाई कर सकते हैं, और अगर आप कुछ करने की ठान लें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। हमारे ये वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।